सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप पे बहुत बहुत स्वागत है। बात करने वाले हैं रहमानिया ठट्टी यानी कि रहमानिया फाउंडेशन के द्वारा जो यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाला गया है, जूनियर प्रोग्राम या फिर वन ईयर फॉर्म नीट जेई JEE, वन ईयर फाउंडेशन फॉर CA CSM, उसका जो ऑनलाइन फॉर्म है, जो आपका रजिस्ट्रेशन है, वो आपका जो डेट है वो अब ख़त्म नहीं हुआ है। आप अभी भी फॉर्म भर सकते हैं। उसका डेट जो है अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर हम देखें तो जूनियर प्रोग्राम लिखा हुआ है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म भरना है वो आपको ओपन होगा यहाँ पर। उसका जो लास्ट डेट है वो अभी तक यहाँ पर डिटरमाइन नहीं किया गया। यहाँ पर देखेंगे तो क्लास 8-9 यानी कि जूनियर, तो इस टू बी डिटरमाइन यानी कि अभी आप तक आपको ना एग्ज़ाम डेट आया, ना ही लास्ट डेट आया, ना ही मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका कैसे होगा वो अभी आप तक बताया गया नहीं बताया गया अभी तक। तो जो कैंडिडेट अभी तक फॉर्म नहीं भरे वो अभी भी फॉर्म भर ले, उनके लिए अभी भी मौका है, अभी भी फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर देखो तो क्लास 8 के जूनियर प्रोग्राम के द्वारा यहाँ पर मतलब अलावा नीट JEE के लिए भी अगर आपने वन ईयर फॉर्म नहीं भरा है तो वो भी आप भर सकते हैं। वो भी अभी तक जो डेट है वो ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आप लोगों को कैसे फॉर्म भरना है वो सब आप लोगों को यहाँ पर बताया गया है। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो आपको फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में थोड़ा बहुत बात करते हैं। जैसे कि जूनियर प्रोग्राम है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपको ओपन होगा, सबसे पहले आपको जो है स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देना है। जो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन आपको देना है यहाँ पर आप लोगों को स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन बोला गया है, फिर आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको यहाँ पर लिखना है, फिर स्टूडेंट फर्स्ट नेम, स्टूडेंट मिडिल नेम और स्टूडेंट लास्ट नेम आपको यहाँ पर लिखना है, बर्थ डेट, जेंडर मेल फीमेल आपको बताना है, फिर प्राइमरी फ़ोन नंबर और फिर अल्टरनेट नंबर और फिर ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालना है। और आपको स्टूडेंट डिटेल्स में अगर यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों को मिलेगा कि 8 का है कि 9th है वो आपको बताना है। अब यहाँ पर आर यू NRI और आर योर फादर NRI आपको बताना है, फिर डू यू हैव एनी मेडिकल कंडीशन आपको वो बताना है, फिर प्राइमरी एड्रेस यहाँ पर है, फिर प्राइमरी एड्रेस आपको क्या डालना है, आपको पोस्टल कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी आपको बताना है, पोस्ट ऑफिस आप बता सकते हैं, स्ट्रीट एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस नंबर 1, नंबर 2 आपको यहाँ पर बोला गया है। फिर आपको जो है डिफरेंट अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको देना है, चैलेंज, हैंडकैप, ठीक है। साथ ही आपको एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। और फिर आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको बताना है, फिर मदर टंग, फिर आपको बताना है क्लास 7th मार्क्स, यानी कि अगर आप अभी 8 के लिए फॉर्म भरे तो आपको 7th में जो मार्क्स आया है वो आपको यहाँ पर बताना है, और आपने 9th के लिए फॉर्म भरे तो आप 8 में थे लास्ट ईयर तो आपको उसका जो यहाँ पर मार्क्स वगैरह बताना है, ठीक है। यहाँ पर बताएगा आपको कैसे मार्क्स बताना है, नॉट अवेलेबल या फिर 0 to 70 या फिर 71 to 80 या फिर यहाँ पर 91 to 100 आपको बताना है इस तरीके से। फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको जो है स्कूल कोड देना है, फिर स्कूल आपका स्कूल का नाम बताना है, स्कूल पोस्टल कोड आपको यहाँ पर बताना है। अब यहाँ पर जो है स्कूल कौन से स्टेट में बताना है, सिटी में कौन से स्टेट में बताना है, फिर स्कूल एड्रेस नंबर 1 और एड्रेस नंबर 2 आपको यहाँ पर बताना है। अब यहाँ पर लोकल इमाम नेम, हाँ ठीक है, लोकल इमाम नेम आपको यहाँ पर बोला गया और इमाम नंबर आपको बोला गया। एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में आपको जो है ना एग्ज़ाम सेंटर बताना है स्टेट वाइज, और फिर मतलब स्टेट बताना है, फिर डिस्ट्रिक्ट बताना है, सेंटर आपको बताना है सीधा। अब यहाँ पर देखो लैंग्वेज प्रिफरेंस फॉर एग्ज़ाम आपको बताना है, हिंदी, उर्दू, हिंदी मतलब इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, ठीक है। फिर विच आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट डू यू हैव, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, बर्थ सर्टिफिकेट है, आपको बताना है। फिर कोर्स प्रिफरेंस आपको क्या बताना है, प्रिफरेंस नंबर 1, प्रिफरेंस नंबर 2। अब इसमें एग्ज़ाम सेंटर ऑल्सो योर ग्रेड स्कूल आपको बताना है, यस और नो में। अब फैमिली इन्फॉर्मेशन में आपको जो है फादर टाइटल आपको बताना है, फादर फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम आपको बताना है, मदर टाइटल फर्स्ट नेम, लास्ट मिडल नेम, लास्ट नेम। अब आपका नंबर ऑफ योर ब्रदर्स, कितने जो है यहाँ पर आप लोग के ब्रदर्स है वो बताना, सिस्टर्स आपको बताना है। फिर लीगल डिक्लेरेशन है, आपको आई एग्री करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है कंप्लीट रिलेशन पे क्लिक करना है। कंप्लीट रिलेशन पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पे जो है मैसेज आएगा, आपको रोल नंबर आपको बताया जाएगा और एडमिट कार्ड डिटेल आपको यहाँ पर बताया जाएगा। फिर यहाँ पर जो है यहाँ पर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर ये सब है, ठीक है, यह मैंने आपको सब कुछ बता दिया अभी, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये था
आठवीं और नाइन्थ के लिए। हालांकि अगर आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए एकदम, तो वो भी हम लोगों ने बना करके रखा है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब ये क्लास एट और नाइन्थ और फिर यहाँ पर नीट जेई है, ठीक है, JEE वन ईयर फॉर्म, ठीक है, 2024-2025 सब लास्ट डेट जो है जारी नहीं हुआ है, तो आप फॉर्म अभी भी भर सकते हैं। अब इसमें भी आपको सेम है, आपको ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, इस पर भी आपको वही काम करना है, ठीक है, एकेडमिक इंफॉर्मेशन वगैरह आपको डालना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि JEE के लिए है या फिर नीट के लिए, कॉमर्स वगैरह, डोमिसाइल आपको देना है। क्लास टेंथ का मार्क्स आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा, ठीक है, 12th का भी मार्क्स आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कितने मार्क्स आए। अब फैमिली इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, डिक्लेरेशन भर करके मतलब इस पर अग्री कर करके आपको जो है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर जो है यहाँ पर फाउंडेशन CA CS CMA वगैरह है, ठीक है, इसमें भी आप लोगों को जो है ना वैसे ही फॉर्म भरना है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन आपको डालना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह होता है, उसके अलावा जो है गवर्नमेंट ID आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। अब डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, मेल फीमेल है कि नहीं वो आपको बताना है, मेडिकल कंडीशन, फ़ोन नंबर, प्रीवियस अपीयरेंस, फिर कोर्स चॉइस और फिर मार्क्स ऑप्टेड, प्राइमरी एड्रेस, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, फैमिली इन्फॉर्मेशन और फिर डिक्लेरेशन भर करके फॉर्म भर लेना। तो ये जो है यहाँ पर है, क्योंकि इसका जो है लास्ट डेट भी जारी नहीं किया गया, ऐसे सोचिए कि आप लोगों को बता दूँ, अगर जिसने फॉर्म नहीं भरा वो फॉर्म भर ले, ठीक है, लास्ट डेट कभी भी अनाउंस हो सकता है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, वो भी आप देख सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए गुड बाय।